Next topic is actual transformer on load. लोड मैंने आपको बताया था कि लोड जो है तीन तरीके का होता है, प्योर रेजिस्टिव या फिर इंडक्टिव और कैपेसिटिव, बट हम जो कंसीडर करेंगे वो कौन सा करेंगे, आर एल लोड। अदरवाइज आप कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इंडक्टिव का भी ड्रॉ कर सकते हो, कैपेसिटिव का भी और रेजिस्टिव का भी। तो जो मॉर्निंग का लिंक क्लास में जो हमने बताया आपको, उसमें हमने ट्रांसफार्मर को एज्यूम किया था आइडियल, बट अगर एक्चुअल ट्रांसफार्मर है तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर और आइडियल में जो मेन डिफरेंस है कि वाइंडिंग विल हैव रेजिस्टेंस, वाइंडिंग विल हैव रेजिस्टेंस, एंड सेकेंड इज लीकेज फ्लक्स इज कंसिडर्ड। ये दो मेन डिफरेंस है आइडियल और एक्चुअल में। आइडियल में हमने वाइंडिंग रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया था और लीकेज फ्लक्स को निग्लेक्ट कर दिया। तो इन दोनों के इफेक्ट को अगर हम कंबाइन करें तो वाइंडिंग जो रेजिस्टेंस है डैट विल बी आर वन एंड आर टू, और जो लीकेज फ्लक्स है इसका जो इफेक्ट है इसके इक्विवेलेंट हम दो रिएक्टेंस कनेक्ट करते हैं एक्स वन एंड एक्स टू। तो जो टोटल सर्किट है ट्रांसफार्मर का दैट कैन बी चेंज लाइक दिस, दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग एन वन नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज आर वन, दिस इज एक्स वन एंड देन एन टू, आर टू एंड एक्स टू, दिस इज अप्लाइड वोल्टेज वी वन, आर वन एक्स वन, यहाँ पर फ्लक्स आ गया आपका फाइव, ये हो गया आर टू एक्स टू ई टू वी टू, दिस इज आई टू, और यहाँ पर अब मैं फाइनल चीज लिख रहा हूँ आई वन। आई नॉट और आई वन डैश ऑलरेडी बता दिया था कि आई नॉट इज नो लोड करंट एंड आई वन डैश इज काउंटर बैलेंसिंग करंट, एंड आई वन इज द रिजल्टेंट ऑफ दैट काउंटर बैलेंसिंग करंट एंड नो लोड करंट। इस कंडीशन में अगर हम इसकी इक्वेशन देखें प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड, देन यहां पर क्या है माइनस ऑफ ई वन, सो माइनस ऑफ ई वन इज इक्वल टू वी वन माइनस आई वन आर वन माइनस जे आई वन एक्स वन, एंड देन V2 will be equal to E2 minus I2 R2 minus J I2 X2। ये दो इक्वेशन बने। इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फ्लक्स टू फ्लक्स कॉमन टू बोथ द वाइंडिंग इज टेकन एज रेफरेंस phi, E1 एंड E2 आर ड्रॉन एट 90 डिग्री लैगिंग, E1 and E2, minus of E1 is drawn at 180 degree from E1। जब आइडियल ट्रांसफार्मर होता था तो हम यहीं पे माइनस ई वन इज इक्वल टू ई वन लिख देते थे और ई टू इज इक्वल टू वी टू, देन आई एम आई सी और आई डब्ल्यू जो लिखना है आपको इन दोनों का रिजल्टेंट दैट इज I नॉट। अब I2, I2 ड्रॉ करने के लिए हमने लोड लिया है इंडक्टिव, तो जो V है वो E2 के आसपास ही कहीं होगा। तो अब यहां पर हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि E2 से लैगिंग एंगल पर ड्रॉ कर दिया हमने I2, सो दिस इज I2। और जब आप कॉपी में ड्रॉ करते हो तो आप बेटर ऑप्शन क्या होता है कि यहाँ स्केल करके ड्रॉ कर दो सीधा एक लाइन I2 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में I1 डैश, दिस इज काउंटर बैलेंसिंग करंट,
resultant of I1 dash and I0, this is I1. ये डायरेक्शन हो गया I2 का, ये डायरेक्शन हो गया I1 का. ये है, दिस इज phi1. I0 और इनके बीच का जो एंगल है, दिस इज phi0. अब अभी हमने I1, यहां तक के केस तो हमने नो लोड में भी डिस्कस कर लिया था, सॉरी आइडियल ट्रांसफार्मर में भी डिस्कस कर लिया था. अब लोड की बात करें तो इक्वेशन ये, दिस विल बी इक्वल टू, इसको अगर हम इस वाले इक्वेशन को मॉडिफाई करें, वी वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वन प्लस आई वन आर वन प्लस जे इंटू एक्स वन, लिख सकते हैं. तो माइनस ऑफ ई वन में आया प्लस आई वन आर वन, तो यहां से आई वन के डायरेक्शन में, ये phi1 नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो हमें वोल्टेज से ड्रॉ करना है, ई से नहीं ना, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी phi1. सो ई वन से ये हो गया आपका I1 R1, इससे 90 डिग्री पर ये क्या हो गया आपका J I1 X1, और यहां से ये जो पॉइंट है, दिस इज वी वन. अब एंगल बिटवीन वी वन एंड आई वन, ये फाइव वन, ये प्राइमरी साइड ड्रॉ हो गया. नेक्स्ट सेकेंडरी साइड ड्रॉ करते हैं. सेकेंडरी साइड ड्रॉ करने के लिए अभी जो मैं बता रहा हूं आपको, अभी इसको फॉलो करते हैं, फिर हम बताते हैं कि बुक में किस तरीके से आपको मिलता है. ये इक्वेशन कंसीडर कर ले, v2 इज इक्वल टू e2 माइनस i2 r2. e2 यहां है, i2 की डायरेक्शन कौन सी है ये, तो माइनस i2 कौन सा होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, E2, ये कौन सा हो गया माइनस I2 R2. इससे 90 डिग्री पर क्या आएगा, दिस इज I2 X2, J I2 X2. This will be V2. और ये जो एंगल है, this angle will be phi2. अब जो आप यहां देख रहे हो और जो बुक में मिलता है उसमें डिफरेंस क्या है, मैं अब इसका रिवर्स करता हूं. This equation can be written as E2 is equal to V2 plus I2 R2 plus J I2 X2. So this is V2. V2 से I2 के डायरेक्शन में, this is I2 R2, and 90 degree from this, 90 degree anti clockwise, this is I2 X2. अब आपको जो बुक में मिलता है वो ये नहीं, ये जो डॉटेड लाइन है ये नहीं मिलती, ये मिलता है. बट इसमें एक डाउट आता है, वो डाउट ये है कि सर ये V2 यहां कहां से आया. E2 हमें पता है अभी तक, V2 की लोकेशन डायरेक्शन सब डिसाइडेड है, बट V2 यहां क्यों आया, इसका कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं हो पाता कि ये V2 यहाँ क्यों आया. इसलिए हम इसको फॉलो करके कि माइनस I2 के डायरेक्शन में मूव करके, कि माइनस I2
then minus I2 R2, minus the I2 X2, and then V2. आपको अल्टीमेटली डायरेक्शन शो करनी है, तो डायरेक्शन आप चाहे इस पैटर्न से फॉलो करो या फिर इस पैटर्न से फॉलो करो, दोनों पैटर्न से मैं से कोई भी पैटर्न फॉलो करो, अल्टीमेट फेजर डायग्राम यही बनेगा। तो जो बुक में आपको मिलता है और जो मैं बता रहा हूँ उसमें जो मेन डिफरेंस है वो केवल इतना है, इन दोनों को अगर आप दोनों में से कोई सा भी बनाओगे वो दोनों ही सही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें V2 की डायरेक्शन शो करनी है। एंड फेजर डायग्राम में हमें ये ध्यान रखना है कि फेजर डायग्राम में जो भी क्वांटिटी या जो भी लाइन हम शो कर रहे हैं दैट शोज ओनली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं शो कर रहा है, क्या मैग्नीट्यूड कम है या ज़्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जो आई वन डैश लिखा है ना, यहाँ पर अगर एक्चुअली मैग्नीट्यूड वाइज सब कुछ जाओगे तो फिर ये आई टू और ये आई वन ये टर्न रेशियो के बेसिस पर जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टर्न रेशियो, जो मैंने काउंटर बैलेंसिंग करंट बताया था ना एन वन आई वन डैश विल बी इक्वल टू एन टू आई टू, सो आई वन डैश विल बी इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन इंटू आई टू। तो अगर मैग्नीट्यूड करोगे तो मैग्नीट्यूड में ये टर्न रेशियो के बेसिस पर मैग्नीट्यूड डिसाइड होगा, बट इन फेजर डायग्राम वी आर कंसिडरिंग ओनली डायरेक्शन। So this is the phasor diagram of transformer on RL load. अगर केवल phasor diagram की बात करते हैं, phasor diagram of transformer it means, क्योंकि जब transformer बात करें तो ideal ideal नहीं है, फिर actual transformer on load. अगर mentioned नहीं है कि वो inductive load है या capacitive load है, then you can draw this one. आप mention कर दो कि RL load, generally loads are inductive in nature, तो इसलिए RL load draw कर रहे हैं। Clear?